10 जुलाई को बिहार सरकार से सदन में जवाब मांगेगी वाम दल। बीजेपी भी करेगी मार्च। शिक्षक नियमावली को लेकर वाम दल बढ़ाएंगे सरकार की मुश्किलें। शिक्षक नियमावली और डोमिसाइल के मुद्दों पर भाकपा माले, माकपा और भाकपा के नेता अपने ही महागठबंधन की सरकार की घेराबंदी में जुटे हैं। बुधवार को संयुक्त बैठक कर वाम दल के नेताओं ने शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल को खत्म किए जाने और नियमावली पर पूर्ण विचार की मांग सरकार से की। वाम नेताओं ने कहा कि 10 जुलाई से शुरू हो रहे बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र के दौरान सदन में बिहार सरकार को वाजिब सवालों का जवाब देना होगा। वाम नेताओं ने संयुक्त बयान में कहा कि 2020 के महागठबंधन के संकल्प पत्र में सभी शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई थी। ये बात सही है कि उस समय महागठबंधन में नीतीश कुमार शामिल नहीं थे, लेकिन वर्तमान सरकार का संकल्प वही होना चाहिए जो 2020 के महागठबंधन के घोषणा पत्र में था। वाम नेताओं ने मांग करते हुए कहा कि सरकार शिक्षक नियमावली 2023 पर पूर्ण विचार करे और परीक्षा की बाध्यता हटाए, शिक्षक अभ्यर्थियों की परेशानियों को सुने और उनके प्रतिनिधियों से भी बातचीत करे। बीजेपी भी इस मामले को लेकर सरकार की घेराबंदी में जुटी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि आगामी 13 जुलाई को भाजपा विधानसभा मार्च करेगी। यह मार्च गांधी मैदान से शुरू होगा और पैदल मार्च करते हुए विधानसभा पहुंचेगा। श्री यादव ने कहा कि इस पिछले शनिवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इस मार्च के जरिए सरकार से 10 लाख लोगों को नौकरी देने के वादे के मामले पर जवाब मांगा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।